इस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक मुस्लिम बच्ची अपनी इंस्टा रील में एक हिंदू लड़की दोस्त को अपने घर ले जाती है और उसे हिजाब पहनाती है कि फिल्म में केरल के एक्स चीफ मिनिस्टर अच्युतानंद का बयान ही डिलीट करवा दिया। ये वो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने फोर्स कन्वर्जन की बात कही थी और लव जिहाद भी कहा था कि हो सकता है कि जो लड़कियां अब भी ये कहती थकती नहीं है कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो ये पक्का कहेंगी कि अरे यार ये तो हमारी स्टोरी है। कि क्यों केरला के क्रिश्चियंस इस मूवी को फुल सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। ये कहानी ऐसे नहीं बन पाती अगर अधा शर्मा ने अपने करियर का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस ना दिया होता। ऐसा क्या है द केरला स्टोरी में जिससे सारे वामी कामी इस्लामियों को पेट में दर्द हो गया है? लव जे, फोर्सफुल कन्वर्जन से लेकर ड्रग्स तक, क्या क्या है इस मूवी में? क्यों 32,000 का फिगर इतना मायने रखता है कि कुछ लोग मूवी को ही साइलेंट बॉयकॉट कर रहे हैं? क्यों ये फिल्म हर घर तक पहुंचनी चाहिए, फ्रॉम बच्चों से बड़ों तक, सभी तक? क्या ये मूवी बीफ फूड को बदल कर रख देगी या अब भी सफर बहुत लंबा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का? और क्या द केरला स्टोरी सोते हुए समाज को जगा पाएगी? द केरला स्टोरी से जुड़े हर सवालों के जवाब प्लस इस मूवी का कंप्लीट रिव्यू विद एनालिसिस, जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि दिस इज भारत स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। द केरला स्टोरी, एक ऐसी फिल्म जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। द केरला स्टोरी की कहानी है तीन लड़कियों की जो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करने आती हैं, एक साथ एक ही हॉस्टल के कमरे में रुकती हैं, मगर इन तीनों की लाइफ उस समय एकदम 360 डिग्री घूम जाती है जब ये लड़की इनके कमरे में एंटर होती है। एक मोमिना पूरे तालाब में दीन ला देती है। जी हाँ, इस फिल्म में इतने प्रैक्टिकल तरीके से ये सब दिखाया हुआ है कि अगर आप अपने घरों में अपने ही धर्म और संस्कृति के बारे में कच्चे हों तो कैसे कोई बाहर वाला आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। इससे पहले कि मैं रिव्यू में आगे बढ़ूं, आप लोग जरूर ये इंटरव्यू चेकआउट कीजिएगा जिसमें खुद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्ट्रेस ने इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के बनने के बारे में क्या क्या कहा है। बहुतों की आंखें खुल जाएंगी। फिल्म में अधा शर्मा लीड है और इनके कैरेक्टर का नाम है शालिनी उन्नी कृष्णन, जो बाद में फातिमा बन जाती है। शालिनी एक बिना फादर की लड़की है जो अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसे अपने दादी के मंत्रोच्चार अच्छे तो लगते हैं मगर वो उन्हें समझती नहीं है। टिपिकल आज की जनरेशन जैसी है। उसके मन में अपने ही धर्म के प्रति कितनी बेरुखी है। ये सब इस फिल्म में बहुत ही सटीक तरीके से दिखाया हुआ है। अधा शर्मा की एक्टिंग की बात हम थोड़ी देर में करते हैं, मगर उससे पहले इन दो लड़कियों के बारे में बात करना है जिनकी कहानी भी इसी फिल्म में शालिनी की कहानी के साथ साथ चलती है। ये है गीतांजलि, जो कि एक कम्युनिस्ट फैमिली से हैं, लॉल सलाम, एंड ऑफ कोर्स एक एथिस्ट है। और ये दूसरी लड़की एक क्रिश्चियन लड़की है जो एटलीस्ट अपने रिलीजन पर बिलीव तो रखती है मगर रीजनिंग में नहीं। और इस मोमिना का नाम है असीफा। इस मोमिना के रोल को आप देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि कैसे ग्राउंड लेवल पर हमारे ही बच्चों को कैसे कैसे रीजंस देकर अपने धर्म से विमुख किया जा रहा है। जाकिर नायक तो बहुत आगे चले गए, आप कॉलेज लेवल पर ही लड़कियों को कैसे घेरा जाता है, कैसे असीफा मुल्ला बिरादरी के इशारों पर काम करती है, टारगेट्स बनाती है, कैसे दो मोमिनों को पीछे लगवाती है लड़कियों के पीछे, ये सब आपको इतना प्रैक्टिकल लगेगा कि हो सकता है कि जो लड़कियां अब भी ये कहती थकती नहीं है कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो ये पक्का कहेंगी कि अरे यार ये तो हमारी स्टोरी है। इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि कैसे ड्रग्स का सहारा लिया जाता है, कैसे ऐसे ड्रग्स के कारण लड़कियां अपना होश खो रही हैं। और फिर असीफा तो है ही हर बात पर, हर आर्गुमेंट में इस्लाम घुसेड़ने को। कैसे शालिनी फातिमा बनती है, क्या गुजरती है उसकी माँ पर, कैसे वो केरला से बलूचिस्तान फिर सीधे सीरिया पहुंचती है। ये जर्नी इतनी भयावह है कि आपके कहीं आंसू निकलेंगे, कहीं गुस्सा आएगा, कहीं रोंगटे खड़े होंगे। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैसे उन्होंने इन सभी को दिखाया है विद लोकेशंस, ये जानते हुए कि क्या रिस्क हो सकता है। फिल्म मल्टीलिंगुअल भी है, कुछ जगहों पर मलयालम है, कुछ जगहों पर इंग्लिश है, कुछ जगहों पर हिंदी, और एंड में कुर्दिश गाने के साथ ये फिल्म
खत्म होती है। एज ISIS का सबसे ज्यादा शिकार हुई हैं कुर्द की बेटियां। क्लियरली डायरेक्टर ने इस फिल्म को एक कॉलेज से उठाकर इसे सीधे इंटरनेशनल लेवल पर ला खड़ा किया है। गीतांजलि वही कम्युनिस्ट लड़की, इसकी कहानी हर एक कम्युनिस्ट को देखनी चाहिए जो आज भी JNU से लेकर जाधवपुर यूनिवर्सिटी तक फ्रीडम ऑफ चॉइस पेंट करते रहते हैं। अगर थोड़ी भी इंसानियत बची होगी तो खुद पे शर्म आ जाएगी अपने कम्युनिस्ट होने पर। माँ बाप कम्युनिस्ट हो तो क्या हुआ, आखिर हैं तो माँ बाप ही ना, एक्सेप्ट इसके माँ बाप। एज इसकी बात हम अपने एनालिसिस में करेंगे। क्रिश्चियन लड़की की कहानी का जैसा अंत होता है वो अगेन ये बताएगा कि क्यों केरला के क्रिश्चियंस इस मूवी को फुल सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। ये कहानी ऐसे नहीं बन पाती अगर अधा शर्मा ने अपने करियर का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस ना दिया होता। मैंने इंटरव्यू में यही सवाल पूछा था और उन्होंने इतनी सफाई से जवाब दिया था कि मुझे ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि इनका अपनी स्टोरी पर, अपने फिल्म मेकर्स पर कितना भरोसा है। शालिनी उन्नी कृष्णन की कहानी तीन अलग अलग टाइम फ्रेम में चलती है। एक जो आज के समय की है जब वो UN की जेल में है, दूसरा जब वो कॉलेज में थी और ट्रैप हो रही थी, और तीसरा जब वो सीरिया की यात्रा करती है। कैमरा वर्क्स कुछ कुछ जगहों पर इतना अच्छा है कि आपको ये मूवी एकदम रियल लगने लग जाती है। थीम म्यूजिक में बार बार कोड़ों की आवाज आपको ये एहसास कराएगा कि क्या होता है जब आप भटक जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह जी को भी विशेष धन्यवाद। ऐसे सब्जेक्ट्स को मेन स्ट्रीम करना कोई छोटी बात नहीं होती। पूरे बीफवुड से पंगा लेकर ऐसी फिल्म को प्रोड्यूस करना, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की मेहनत को बड़े पर्दे पर लाना और अधा शर्मा की परफॉर्मेंस को सिक्योरिटी देना, इन सब के लिए हृदय से धन्यवाद। अब इससे ज्यादा मैं मूवी के बारे में नहीं बता पाऊंगा एज मूवी स्पॉइल हो जाएगी, और मैं ये पाप नहीं करूंगा सिर्फ व्यूज पाने के लिए। कोई भी रिव्यूअर इस मूवी को रिव्यू ऐसा कर ही नहीं पाएगा जैसा आपको ये फिल्म देखकर लगेगा। आपको ये फिल्म देखकर ही समझ में आएगी इस फिल्म की गहराई। जितने लोग स्क्रीनिंग में थे सब खामोश थे, इवन एंड क्रेडिट्स तक लोग नहीं उठे। शायद ये फिल्म पूछ रही थी कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। ये बताता है कि ये मूवी बहुत आगे जाएगी, बहुतों को जगाएगी, एज इस मूवी का रियल मकसद यही है। मगर क्या इसे एक मूवी से सब कुछ बदल जाएगा, या सिर्फ एक मूवी है, लोग देखेंगे, हिट कराएंगे और घर जाकर चद्दर ओढ़कर सो जाएंगे, इसकी बात हम एनालिसिस में करते हैं। द केरला स्टोरी सिर्फ केरल की कहानी नहीं है, ये भारत की स्टोरी है। आज भी फोर्सफुल कन्वर्जन्स चरम पर हैं। ये एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, इसके स्क्रीनशॉट्स ही मैं आपको दिखा सकता हूँ विद सेंसरशिप, एज नहीं तो YouTube अपनी कृपा मुझ पर बरसा देगा। इस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक मुस्लिम बच्ची अपनी इंस्टा रील में एक हिंदू लड़की दोस्त को अपने घर ले जाती है और उसे हिजाब पहनाती है। यहीं से तो शुरुआत होती है ना सॉफ्ट जिहाद की। ये क्लिप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, काइंडली डू चेक आउट। इस क्लिप को देखोगे तो पता चलेगा कि मूवी में तो कॉलेज बताया है जबकि रियलिटी में तो ये लोग अब स्कूल लेवल पर आ गए हैं। ये एक एग्जांपल काफी है द केरला स्टोरी मूवी की इंपॉर्टेंस बताने को। माँ बाप अपने काम में मस्त और आपकी बच्ची एक मोमिना के साथ मस्त। एक यूट्यूब चैनल है परम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह के नाम से। जी हाँ सही सुना, द सर्वेंट ऑफ अल्लाह परम। कुल 3 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और हर वीडियो इसका लगभग मिलियंस में जाता है। कारण ये कि भाई साहब हिंदू होकर ये सब कर रहे हैं। इसके चैनल की पूरी प्लेलिस्ट देखो, सब समझ आ जाएगा कि ये परम का क्या है धर्म। इनके वीडियोस के कमेंट्स देखो, इन्हें पढ़कर आप समझ जाओगे कि अब सोशल मीडिया भी एक टूल बन गया है ब्रेन वॉशिंग का। अब कुछ समझदार लोग ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 में फ्रीडम देता है कि हम धर्म का प्रचार करें। अब भाई ये बात तो सही है मगर आधी, एज उसी आर्टिकल 25 में आगे ये भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। अब बेटा बताओ कि ये सब ब्रेन वॉशिंग करना कितना मॉरल है। कहानी यही खत्म नहीं होती बॉस, एक और हिंदू यूट्यूबर से आपको मिलवाता हूँ। इसका नाम है निधि शर्मा और इसके यूट्यूब चैनल का नाम है केला रिएक्ट्स। भाई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। इसके 1 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और ये अपने वीडियोस के माध्यम से वही ब्रेन वॉशिंग वाला प्रोपेगेंडा चला रही है जो असीफा ने द केरला स्टोरी में चलाया था। ये इस्लामिक वीडियोस, इस्लामिक लिटरेचर, मौलानाओं की बातें, इन सब पर ना ही सिर्फ रिएक्ट करती है बल्कि अपने वीडियोस में बड़े सॉफ्टली
फैमिली हिंदू लड़कियों को दीन की दावत भी देती है। वैसे ये पहले अपने वीडियोस में सिर्फ डांस और ठुमके लगाया करती थी, मगर हाय व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर, पूरी मोमिन बनकर घूम रही है और आज मिलियंस में खेल रही है। ये तीन एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिए हैं ये तो अभी आपके सामने आए हैं, ना जाने कितने ही रोज ऐसे केसेस हो रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होगा। स्वरा भास्कर द केरला स्टोरी को ट्विटर पर प्रोपेगेंडा फिल्म कह रही है। अब कहे भी क्यों नहीं, खुद की हुई गलती पर तो इन्हें फक्र है, मगर कम्युनिस्ट होते हुए भी ये भूल गई कि दीन की दावत में हिंदूवादी हो या वामपंथी सबका पीसी किया जाता है। खैर इन्हें तो सूटकेस मुबारक। वैसे तो जब भी ISIS की बात उठती थी तो हमारे यहाँ के सेकुलर लोग और वामी कामी इस्लामी लोग यही कहते थे कि ISIS वाला इस्लाम इस्लाम नहीं है, और जब द केरला स्टोरी में ISIS का ही इस्लाम दिखाया गया तो अब यही लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म इस्लाम को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। भाई डिसाइड कर लो पहले, ISIS वाला इस्लाम इस्लाम नहीं है और जब उसकी पोल खुले तो इस्लाम बदनाम है, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। रही बात 32,000 के फिगर्स की, तो हमारे द केरला स्टोरी इंटरव्यू में जिस बोल्ड अंदाज से फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्ट्रेसेस ने ये जवाब दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके बाद कुछ भी कहना चाहिए। शशि थरूर जैसो से ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों वंदे भारत की ट्रेन पर मल्लापुरम में पथराव हुआ, खुद तो बड़े उछल कर उसके इनॉग्रेशन में पहुंच गए थे, फिर ये सब कैसे हुआ, और ये खुद केरला गर्ल्स के बारे में पहले क्या बता रहा था, साल 2021 का ये ट्वीट देख लो। अब क्या हुआ प्रभु, पहले खुद उन्हीं लड़कियों की मदद गवर्नमेंट से मांग रहे थे और अब आपके स्टेट की तो कहानी है ना, फिर ये बेशर्मी क्यों। ये 1 करोड़ का इनाम रखकर आपने भी साबित कर दिया कि बाहर पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता जब तक इंसान में बेसिक सेंस नहीं आ जाता। CBFC को भी अब क्या ही कहें, पता नहीं इनकी क्या मजबूरी होती है कि फिल्म में केरल के एक्स चीफ मिनिस्टर अच्युतानंद का बयान ही डिलीट करवा दिया। ये वो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने फोर्स कन्वर्जन की बात कही थी और लव जिहाद भी कहा था। भले ही फिल्म में ये डायलॉग उस क्रिश्चियन लड़की ने कह दिया, मगर एंड सीन में ये इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप दिख जाती तो क्या हो जाता। चिंता मत करो, ये क्लिप भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। मोदी जी देख लो, आपका ही प्रसून जोशी है, ज्यादा बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। द केरला स्टोरी एक फिल्म नहीं है, एक हकीकत है इस भारत देश की, बल्कि अब अगर इसे मैं इंटरनेशनल फेनोमेना भी कह दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक स्वीडिश वेब सीरीज आई थी खलीफत, सेम इसी सब्जेक्ट की, कैसे स्वीडिश लड़कियों को ब्रेन वॉश करके ISIS भेजा जा रहा था सेक्स स्लेव बनने। स्वीडन की सरकार ने इस सीरीज को अपने नेशनल चैनल पर टेलीकास्ट किया था। क्या इतनी हिम्मत हमारी सरकारें दिखा सकती हैं? प्रश्न तो उठता है, क्या आज अब से सभी लोग अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना शुरू करेंगे, या सिर्फ सलमान का बर्थडे कब आता है, SRK की एनिवर्सरी कब आती है, बस यही याद करवाओगे? प्रश्न तो यहाँ भी उठता है, क्या अब भी हमारे युवा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है वाला छपरी आर्गुमेंट देते रहेंगे, जबकि निकिता तोमर से लेकर श्रद्धा तक के मर्डर केसेस हमारे सामने हैं? प्रश्न तो यहाँ भी उठता है। आए हम सब इस फिल्म को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करें, और इस फिल्म का रियल मकसद कि अब से कोई भी हिंदू बेटी घर से नहीं जाएगी ये प्रण लें, वरना ये सब पल दो पल का बूम भरी रह जाएगा। और अब चलते चलते एक संदेश उन यूट्यूबरों और इंस्टाग्रामियों को जो दीन की दावत चला रहे हैं। ऐसा है अभी तक आप लोग बड़ी आजादी से ये सब चलाते आए हैं, किसी का ध्यान ही नहीं गया आप लोगों पर, है सभी को पॉलिटिक्स में उलझा रखा था। आखिर हमारे देश में हर साल चुनाव जो होते हैं, मगर एक प्रॉमिस आज करता हूं कि अब भारतवर्ष आप लोगों के पीछे पड़ गया है, बहुत जल्द आप सभी को ढूंढ ढूंढ कर एक्सपोज करूंगा, फिर भले ही कुछ भी हो जाए। अगर आप भी द केरला स्टोरी को द कश्मीर फाइल की ही तरह घर घर पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।